हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन को लेके है। और मैंने पिछला जब सेशन लिया था तो जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि रेगुलर इम्पिटस गुरुकुल से ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, क्लासरूम स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक कॉम्बिनेशन और एक एक डाउट्स जो आते हैं दिमाग में कि कैसे कवर करेंगे और क्या क्या हमें अगले 10 मंथ करना है, ये एक बहुत कॉमन डाउट है सभी का। तो मैंने इसलिए पूरे एक एक चीज़ को आज आपको समझाना चाहूँगा। जो जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं वो सब समझाऊँगा कि अगर आप 2020 में देने वाले हैं तो नेक्स्ट 10th मंथ आपको क्या करना है। पहला ये कंसेप्ट, पहली चीज़। दूसरा, अब आप अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे जो मैसेज करा है कि सर अब हम अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हम टाइम पे सिलेबस कर पाएंगे, क्या हमारी रैंक आ जाएगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे अलग अलग डाउट हैं। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, BCA किया है, मैथ्स वीक है, क्या मैं निमसेट क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं JNU क्वालिफाई कर सकता हूँ या BHU, ये जो आपके डाउट्स हैं वो पूरे डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें पूरे एक एक टॉपिक ओल्ड बैच के भी लिखे हैं जो क्लास में ऑलरेडी कवर हो गए हैं, और अब जो 5th अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें भी पहले यही टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनको कैसे करना है प्रिपरेशन वो मैं बताना चाहूँगा, और क्लासरूम कोर्स वाले बच्चों को ये टॉपिक इसी ऑर्डर में चलेंगे, वैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों को करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता सभी के लिए आना, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स ही इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है कि आप बहुत इजीली घर पे ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और हर वो टेस्ट पेपर जो क्लासरूम में यहाँ होता है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है। और एक और चीज़ हमने कर दी जो आपकी प्रॉब्लम थी, अब एवरी वीक का टाइम टेबल वेबसाइट पे भी मिलेगा, यानी आप रेगुलर वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट में रहें, www.impetusgurukul.com, इस पर आप रेगुलर विजिट करें, यहाँ पर आपको वीकली टाइम टेबल मिलेगा जो भी रिलेटेड कोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो और आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि सर ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़ें, टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ें, ये सब का एक ही सॉल्यूशन है कि impetusgurukul.com की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम ऑनलाइन कोर्स में लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, सबसे पहले समझ लें कि ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है, कि आपने जो कोर्स लिया है वो पूरा कोर्स जो है वो पेन ड्राइव में है, जो आप अपने कंप्यूटर में लगा के देख सकते हैं। उसमें 3 ऑर्डर्स में है, बेसिक, पहले फाउंडेशन है, फिर मेंस लेवल है, और फिर एडवांस लेवल है। इस तरह से कोर्स को अपग्रेड भी कर दिया है और एक एक ऑर्डर में ही पढ़ना है। दूसरा, कैसे पढ़ना है ये भी डाउट होता है, तो पहले फाउंडेशन पूरा करना है, उसके बाद एक सब्जेक्टिव बुक लेनी है। सब्जेक्टिव बुक में NCERT ले सकते हैं, RD शर्मा या RS अग्रवाल की कोई भी एक बुक, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग है उनको स्कैप कर सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद एक्सरसाइज के कम से कम 20-30% क्वेश्चन जरूर करिए। मान लीजिए कोई एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन कर लिए सफिशियंट है, 50 है तो 20 तक कर लिए, और 1-5 लगभग एक जैसे होते हैं तो 1-5 में 2 कर लिए, फिर 6-10 में 2 कर लिए, इस तरह से आप करते चलें। और फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करें, कोई भी हो सकती है, वो RD शर्मा ऑब्जेक्टिव हो सकती है, वो सेल्फ स्कोरर हो सकती है, और दूसरा हम जो आपको मटेरियल भेज रहे हैं वो भी आपको सॉल्व करना है जो एवरी वीक आपको मिल रहा है। अब अगर आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 10 मंथ में बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि 2019 में पेपर अनएक्सपेक्टेड था, उसके बाद भी जनवरी में ज्वाइन करने वाले बच्चों ने 3G क्रैक किया हुआ है। इसका मतलब जो अगर आप ठान लोगे तो आप कर सकते हो, तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे दिमाग के ब्लॉकेज की होती है, इसलिए दिक्कत आती है। एक और आपने क्वेश्चन बोला था, कई बच्चों ने जो मुझे पूछा है कि मैथ्स बहुत वीक है, और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैथ्स वीक है स्ट्रांग है ये पता नहीं, पर जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो 11th-12th के मैथ्स से टच में नहीं रहते, ऐसे में हमारा 1-2 साल कॉन्टेक्ट छूट जाता है, तो मैथ्स वाला बच्चा हो चाहे नॉन मैथ्स वाला थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले वो टॉपिक पढ़ाएं जिससे मैथ्स में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, एक बेसिक डेवलप हो, इंटरकनेक्शन वाले टॉपिक जो हर जगह यूज होते हैं पहले वो पढ़ाए जाएं, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। वही काम आपको घर पर रह के करना है, तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करने की जरूरत है। दूसरा, कोई भी चीज़ छोड़ना बहुत आसान होता है पर बनाए रखना मुश्किल होता है, और याद रखिए वो चीज़ कभी भी मत छोड़िए जिससे आपका जीवन बनने वाला है, छोड़िए वो जो आपको परेशान करती है। होता ये है अक्सर हम अपने जीवन में उन चीज़ों को जल्दी छोड़ते हैं जिससे कैरियर बन सकता है, और जिन चीज़ों से कैरियर नहीं बनने वाला उनको हम छोड़ने में टाइम लेते हैं। कई बार जब 2-3-4 बार आपने करा, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, छोड़ देते हैं। रोज पढ़ाई करनी है, मैंने जैसे यहाँ बच्चों को बोला है कि ट्राई करो कि रोज 100-200-300 क्वेश्चन करना, करो जो आता है उन्हीं क्वेश्चंस को करो, बार बार करो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नए क्वेश्चंस भी करने लगेंगे। ये पेपर आदत डालो, जो संडे को टेस्ट पेपर मिल रहे हैं उनके एनालिसिस में आपको दे रहा हूँ,
पर जो पेपर बहुत सिंपल है, जिसका पूरा फाउंडेशन में सारे क्वेश्चन डिस्कस है, उनको छोड़ के मैं सारे पेपर आपको दे रहा हूं और वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते जाएंगे, जिससे पेपर का टफनेस लेवल बढ़ेगा, आपको पेपर से सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे। तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि नंबर वन कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ये छोड़ने वाली चीज नहीं। छोड़ने वाली चीजें हैं जो आपकी बुरी आदत है, मोबाइल फोन को छोड़िए, आपके उठने की हैबिट छोड़िए, डिसिप्लिन बनाइए अपनी लाइफ में, कोई भी बुरी आदतें उन सबको छोड़िए, पर पढ़ाई नहीं छोड़नी। डिसीजन लेने में हम बहुत जल्दी दिखाते हैं, पर डिसीजन वो लेते हैं जिससे कि हम अपना करियर बनाने वाले हैं, उसको छोड़ने में जल्दबाजी मत दिखाइए। MCA एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आज हम देखें तो कम कंपटीशन में आप 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक 40 लाख तक के जॉब लग रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो इसका बेनिफिट लीजिए। 11th 12th में हो सकता है आपने IIT की प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाए थे, इसलिए आपका वहाँ नहीं हुआ, और वहाँ तीन सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट के थ्रू आप JEE मेंस के थ्रू जैसे NIT मिलता है, वैसे ही NIMCET के थ्रू भी NIT मिलता है। इन सब चीज़ों को समझिए। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 महीने में आप ना केवल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी रैंक लाके कर सकते हैं, बस शर्त है कि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज समझिए, आज इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से सबसे पहले बता दूं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा जुड़ गए। फर्स्ट ईयर वाला बच्चा अगर रोज 3-4 आवर भी देता है तो बहुत है, सेकेंड ईयर वाला बच्चा 4-5 आवर देता है बहुत है, पर फाइनल वाले स्टूडेंट को 8-10 आवर तो देना ही है, और साथ में 2-3 घंटे फाइनल की प्रिपरेशन भी करते चलें। डिफरेंस यही है कि अगर आपने लेट दौड़ना स्टार्ट किया तो आपको जब भी दौड़ना पड़ेगा जब वो दौड़ने वाले लोग रुक गए हों, ये बात समझिए। हर दिन अपने आप को मजबूत बनाइए, हर दिन अपने आप को टारगेट दीजिए, कॉम्पिटिशन अपने आप से करिए, किसी और से नहीं करिए। जो कल किया उससे बेहतर आज करेंगे, आज 50 क्वेश्चन लगते हैं कल 51 करेंगे, 55 करेंगे, 60 करेंगे। बैठिए 3-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़िए। अभी मैं कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों को मैंने बोला, सब बच्चे नहीं आ पाते पर कई सारे बच्चे ऑनलाइन वाले एक हफ्ते के एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, वो जब ये फीडबैक देते हैं, अभी मैं आपके साथ और भी वीडियो शेयर करूंगा कि सर हम लोग घर पे पढ़ते थे पर हमें ऐसा लगता था 4 घंटे पढ़ के हमने बहुत पढ़ लिया, पर यहाँ आके समझ में आता है कि नहीं वो कम है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, कई बार ऑनलाइन वाले बच्चों को लगता है हम सब कुछ जल्दी निपटा लें, नो, यहाँ पर हर चीज बहुत स्लो पढ़ाई जाती है। वैसे आप भी धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, पहले वो ही क्वेश्चन बार बार करिए जो बनते हैं, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको मैथ्स के वो टॉपिक जो टफ है वो बनने लगेंगे। मैथ्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, उसके पहले एक बेस बिल्ड करना है, वो जैसे ही बिल्ड होगा आपको बनेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको डेवलप करना है। तो आपने जो जो चीजें भेजी है मैं आपको सब डिस्कस करूंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो 5 अगस्त के बैच को फॉलो कर सकते हैं, बट उसके बाद भी मैंने ओल्ड बैच में क्या क्या हुआ वो टॉपिक क्यों लिखे वो रीजन बताता हूं कि अगर आप कोशिश करें कि एक एंड पर अगर इनको भी धीरे धीरे स्पीड में कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ये करीब 10-12 टॉपिक्स हैं जो क्लास में कवर हो गए। क्या क्या कवर हुए पहले बताता हूं। नंबर वन, नंबर सिस्टम, ये लॉजिकल रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आता है और ओवरऑल मैथ्स के डेवलपमेंट में। लॉग, ये बेसिकली इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, बार बार लॉग के कंसेप्ट लगते हैं इसलिए लॉग पहले पढ़ाया जाता है, बेसिक वो चीज कवर की गई है। देन इनइक्वेशन एंड मॉडुलस फंक्शन, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसलिए इनइक्वालिटीज पढ़ाई गई है। फिर बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो अभी करेंटली चल रहा है, ये मैथ्स के साथ साथ QALR का भी मतलब लॉजिकल रीजनिंग का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें तो NIMCET में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगर मैथ्स में मिलता है तो रीजनिंग में भी मिलता है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आगे चल के स्टार्ट होगा 5 अगस्त से पुराने बैच में प्रोबेबिलिटी। देन क्लॉक एंड कैलेंडर, ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी LR का ही टॉपिक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने 10th की बुक से पढ़ाया था इसलिए लिखा हुआ 10th की बुक, क्यों, क्योंकि ये बार बार पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है तो ये 10th की बुक से करवाया हुआ है। इसके अलावा सेट थ्योरी कंप्लीट हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम सिलेबस का पार्ट नहीं है पर उसका बेसिक अच्छे से कवर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, APGPHP प्रोग्रेशन अभी चल रहा है जो इस सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर एक समय में 2 टॉपिक जैसे पढ़ाए जाते हैं वैसे मैं बोलूंगा कि आप भी 2 टॉपिक पढ़िए। जैसे 5 अगस्त का जब बैच स्टार्ट होगा तो उसमें एक एंड पर हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉग जो बेसिक है और दूसरे एंड पे सेट, यानी 2 टॉपिक। ऐसे ही आप ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो ये 2 टॉपिक पढ़ना चालू करें। 1 आवर के वीडियो के बाद कम से कम 3 आवर की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, 1 आवर के वीडियो सेशन के बाद 3 आवर की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और एक एक एंड पे बढ़ाते हुए चलना है। अब ये टाइम टेबल दिया है
अभी तक मैं आपको बताता था, पर अब ये वेबसाइट पे मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको टेस्ट पेपर भी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे, इवन ऑनलाइन टेस्टिंग भी आपकी होगी, जिससे कि आपको एक प्रॉपर टाइमिंग मिले। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग अपने लेवल पे करते जा रहे हैं, वो इसलिए कि आपको पता चले, क्योंकि जब ऑनलाइन वाले बच्चे आते हैं वो फीडबैक देते हैं कि सर हम घर पे पढ़ते समय क्या क्या मिस्टेक करते थे। घर पे पढ़ते समय मुझे कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों ने बताया कि हम एक ही दिन में पूरे वीडियो देख लेते थे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके कंसेप्ट नहीं बनेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक दिन में सब नहीं करना है, 10 दिन का खाना एक दिन में खाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्लास में भी जब 10 दिन में होता है तो आप भी उस टॉपिक को 10 दिन में करो, बस यही एक चेंज है। अब बात करते हैं कि न्यू बैच में और ओल्ड बैच में क्या होगा। सबसे पहले न्यू बैच के बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक ओल्ड बैच के बराबर लाएं। अब कैसे होगा, जो टॉपिक यहाँ पर मान लीजिए कि 10 क्लास में कवर हुआ है, एक एग्जांपल, हम कोशिश करेंगे वो यहाँ पर 6 क्लास में कवर हो। वही बात है कि अगर आप लेट हो भी गए हो तो अब उसकी रिकवरी कैसे होगी। यहाँ पर 2 आवर की क्लास होगी तो यहाँ पर 3 आवर की क्लास होगी। ये छोटे छोटी चीज़ों को हम जैसे वर्कआउट करते हैं, यहाँ पुराना बच्चा अगर 3 घंटे पढ़ रहा है रोज का या 6 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगा आप 8 घंटे पढ़ो। अब लेट हो गए ये आपकी मिस्टेक हो सकती है, बट अब भी अगर डिसीजन नहीं लिया तो ये और बड़ी मिस्टेक हो सकती है। दूसरा, ये बिल्कुल दिमाग में ला लाए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, स्पेशली बोलूंगा कि अब हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेट हो गए ड्रॉप लेके। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपके साथ मैंने कुछ वीडियो सेशन शेयर किए जिसमें जिन बच्चों ने ये भी कहा था और जनवरी आने के बाद भी कहा था, मैंने कहा था अभी हिम्मत मत छोड़ो, ड्रॉप लेना ले लेना, पर इस साल मेहनत करके करो, नहीं होगा सिलेक्शन फिर ड्रॉप लोगे तो 0 वाले नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि जो 1 साल की मेहनत है या 10 महीने की मेहनत है, अगर इसके बाद ड्रॉप लिया गया तो ड्रॉप ईयर 100% सक्सेसफुल होगा। पर अगर आपने अपने आप को इस साल छोड़ दिया और फिर ड्रॉप लिया और मान लो ड्रॉप ईयर में परफॉर्मेंस बिगड़ गई, तो फिर क्या सेकंड ड्रॉप लोगे? इसलिए अपने आप को नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इस बार निमसेट में रैंक नहीं आई, उन्होंने एक्शन ले भी लिया और ड्रॉप लेके पढ़ाई चालू कर दी। कुछ लोगों ने, क्योंकि अब सब जगह के रिजल्ट आ गए, पता चल गया कि क्या मिला क्या नहीं मिला, आपने अभी स्टार्ट किया। अभी अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े मुझसे जिन्होंने ड्रॉप लिया, फर्स्ट ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप वाले, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डिसीजन लिया, क्योंकि अच्छा कॉलेज अच्छा करियर एक बार बनाना है हमें, लास्ट डिग्री ऐसी जगह से लेना है जहां से हमें अपना जीवन का या करियर का अच्छा ऑप्शन मिले, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आप कंटिन्यूसली जुड़ रहे हैं, खुशी की बात है, और आपके साथ हम भी जुड़े रहेंगे साल भर। आपको बीच में कभी भी 1 वीक का एक्सपीरियंस लेना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, बस आप आए उस समय ज़्यादा अच्छा होगा जब नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नॉर्मली हर 15 दिन में या हफ्ते में एक बार नया टॉपिक होता है, आप एक बार इन्फॉर्म करें आए, सारी फैसिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं भी आते हैं तो जो बच्चे आ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने उनके एक्सपीरियंस लिए तो मुझे समझ में आया कि इन बच्चों ने क्या गलती की, एक ही दिन में 3 घंटे लगातार वीडियो देख रहे हैं। नो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देखना है। 1 घंटे देखने के बाद पहले फाउंडेशन के समय सब्जेक्टिव बुक करना है, मेंस और एडवांस के समय ऑब्जेक्टिव बुक्स के क्वेश्चन करने, और पहले सेल्फ करने फिर उसके सॉल्यूशन देखने, स्पीड अपने आप बनेगी। फोकस होकर पढ़ाई करनी है, कहीं पे भी अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। बिल्कुल पॉसिबल है कि 2020 में कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि सर हमारा रिजल्ट जुलाई में आएगा 2020 में, क्या हम एलिजिबल हैं? मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका जुलाई में नहीं अगस्त में भी रिजल्ट आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप एलिजिबल हैं। बस सेप्टेम्बर के पहले आपको वहाँ पर सबमिट करना रहेगा, और नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। पर नॉर्मली आ जाता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बिहार में ऐसी दिक्कत आती है, कुछ और स्टेट हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो रिजल्ट डिले कर देती हैं, ऐसे बच्चों को अक्सर 1 साल का ड्रॉप लेके आगे जाना पड़ता है, तो वो एक जो इशू आता है, पर वो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं तो आप इमीडिएटली एक्शन लें। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं उनका शेड्यूल मैंने अलग से डिस्कस किया है, उनको तो एक एक टॉपिक को 15-15, 20-20 दिन में करना है, इसलिए ये सेशन जो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 2020 के लिए अपेयर हो रहे हैं। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं आपको, 2021-22 को मैंने पहले ले लिया सेशन, और उस सेशन के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ना है। तो अब जो नया बैच है 5 अगस्त से, उसमें पहले हम ये 10 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हमको करीब करीब एक समय में 2 टॉपिक होंगे। तो 1 वीक में जैसे ये 2 टॉपिक हुए लॉग और सेट, फिर नंबर सिस्टम बाइनोमियल, ऐसे तो करीब करीब 5 वीक में ये कवर होंगे, यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड देन जो ओल्ड बैच में चलता जा रहा है उसी ऑर्डर में न्यू बैच में चलेगा। बस कोशिश ये करेंगे कि इस बैच के इसमें थोड़ा स्पीड में पढ़ा के हम 3-4 महीने में कवर करें। तो 5 अगस्त से जो लोग बैच ज्वाइन कर रहे हैं या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, वो फॉलो 5 अगस्त के बैच को कर सकते हैं, पर इन टॉपिक्स को कवर करना है और इन्हीं टॉपिक्स के आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो आप अपने लेवल पर कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, बट एवरी 1 आवर के वीडियो सेशन के बाद 3 आवर की स्टडी जरूर करना। ऐसा नहीं करना सारे वीडियो देख लिए फिर करोगे आप बुक,
तो आपको मैं अभी से बता रहा हूं आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने ऐसा मान लो कि आपने पहले पूरे वीडियो देखे फिर बुक सॉल्व करे तो आपको बुक्स नहीं बनेगी, आपको लगेगा अरे कुछ बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा सुन के रिजल्ट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे धीरे, जैसे बुक में भी होता है, पहली एक्सरसाइज सिंपल होती है, दूसरी उससे टफ, तीसरी उससे मिसलिनियस सबसे टफ, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर मिसलिनियस होती है। पर मिसलिनियस तक पहुंचने का तरीका ये कि पहले बेसिक करो, एंड सेम थिंग कि पहले स्टार्टिंग के बेसिक वीडियोस को देखना चालू करें और धीरे 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 स्टेप बाय बढ़ते जाएं और बुक भी सॉल्व करते जाएं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। इस बीच में जो आपके पास पेपर आते हैं उनको टाइमली सॉल्व करें, जितने टाइम का पेपर है उससे आपकी पकड़ बनेगी। पेपर्स भी यहाँ पे TWPT जो आपको मिलते हैं उसके लेवल को हमने बहुत ही डिजाइन किया कि स्टार्टिंग के पेपर सिंपल हों और धीरे धीरे टफनेस बढ़े। जो स्टार्टिंग के पेपर सिंपल हैं जो बनते हैं उनकी रोज प्रैक्टिस करो, सोने से पहले रोज आदत डालो कि 50 से 100 क्वेश्चन वो करो जो कर चुके हो, वो जब आप, और वो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे पर उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसे अपनी हैबिट को डेवलप करिए, कहीं पे नेगेटिव बातें मत सोचिए। कुछ छोड़ना है तो बुरी आदत है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, फोकस नहीं छोड़ना है, अपना डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ना है, अपना 100% देना नहीं छोड़ना है, ये सब करिए। रिजल्ट क्या होगा ये भी मत सोचिए, क्योंकि जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई कभी भी प्रॉपर नहीं होती, हम नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तो प्रॉपर पढ़ाई होगी। तो मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया कि ये ओल्ड बैच में हो चुका है, जो न्यू बैच 5 अगस्त से होगा उसमें पहले ये चीजें कवर होंगी। तो जितने ऑनलाइन वाले नए स्टूडेंट हैं वो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग टॉपिक जैसे लॉग सेट होगा, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, एक एंड पे पॉलिनोमियल इन इक्वेशन चलेगा, एक एंड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से धीरे धीरे कवर होगा, हम आपको बताते हुए चलेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। पर एक साथ आप ये 10 टॉपिक लिख लीजिए, मान के चलिए कि अगले 1.25 महीने आपको ये टॉपिक कवर करना है। आप चाहे 1 हफ्ते पहले जुड़े हो, चाहे आज जुड़े हो या कल जुड़े, पर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते चलिए। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे एक बेस प्रिपेयर होता है। मैथ्स वीक है इसलिए ये टॉपिक पहले किए जाते हैं, क्योंकि मैथ्स के कॉन्टेक्ट में नहीं होते तो पहले वो टॉपिक पढ़ने होते हैं जिससे मैथ्स से फेमिलियर हो, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस पे आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस क्या 2D वैक्टर 3D ऐसे करना है, और आपकी ट्राई ये करना है कि जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कवर करना है, एंड देन उसके बाद फाइनल टेस्ट सीरीज के लिए मूव ऑन होना है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करिए, और फिर भी कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, बिल्कुल निराश मत होइए। एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करेंगे तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।